लुधियाना के गुरदेव नगर के बीती 25 मार्च में हुई गोलीबारी की वीडियो वायरल हो रही है। इस मामले में पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया और 8 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, जबकि बाकियों की भाल जारी है। इस संबंधी जानकारी देंदे जांच अधिकारी ने दसा है कि इस मामले के एक NRI की कोठी की कोई सांभ संभाल कर रहा है। 25 मार्च की शाम को कुछ अणपछाते लोगों वालों उन्होंने फायरिंग की गई। इस मामले में पुलिस वालों 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया और बाकियों की भाल जारी है। 25 तरीक की रात को गुरदेव नगर एक फायरिंग हुई थी, कोठी का दस दें कब्जे का मामला की मामला की सी जी? हाँ जी, उत्थे एक NRI की कोठी आ जो काफ़ी समय तो एक उन्होंने वालों किसी केयरटेकर दी गई सी। सो एक महीना पहला वो केयरटेकर ने वो कोठी खाली कर दी सी, बट किसी चीज़ कोई माड़ी मंशा के चलते कल मतलब कि 25-26 की दरमियानी रात को आपके 25-30 साथियों नाल आए तो उन्होंने कोठी से कब्जा करने की कोशिश की, जिस दौरान फायरिंग भी हुई। बाय नेम असी जी 6 बंदियां ते दिता सीगा परचा, ते 2 बंदे बाद विच नोमिनेट किए सीगे, फिलहाल 5 बंदे आप अरेस्ट कर चुके हैं। इस मामले च कौन कौन बंदे ने जिन्हां ते परचा दर्ज होया? एक तां जी मदर डॉटर ने जिहड़े उत्थे सुखविंदर कौर जसविंदर कौर जिहड़े मतलब कि उत्थे एज अ केयरटेकर रह रहे सी, एक उन्होंने मामा जी ने पलविंदर सिंह जी, ते बाकी एक गुरमीत सिंह ने, एक अपने ने गे गुरमीत सिंह, तो एक गुरी करके बंदा हैगा, एक कुलदीप सिंह करके उन्होंने अपना बाई ने नाम आ रहा सुखा बाड़े वाले तो उसका की रोल है? वह हजे असं वेरीफाई कर रहे हैं जी उन्हों का की रोल है। सानू फुटेज मिली है जी, हजे असं वेरीफाई कर रहे हैं, हजे असं कुछ श्योरिटी नाल नहीं कुछ कह सकते। किसी पार्षद का नाम भी आ रहा है, कहते किसी पार्षद का पिछे हाथ है जी पूरे मामले? नहीं, हजे सारी चीज़ों जी माइन्यूटली वेरीफाई किया जा रहा है, बट आप हजे किसी से डायरैक्ट सीधा ब्लेम नहीं ला सकते। जिक्र खास है कि इस गोलीबारी की घटना तो बाद इलाके दे विच सहम दा माहौल बनया होया है, ते इस पूरी घटना तो बाद किते ना किते पुलिस प्रशासन दे उते भी सवाल खड़े हो रहे ने। लुधियाना तो पत्रकार राजविंदर सिंह की रिपोर्ट। प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि कोई भी नवी अपडेट तुसी मिस ना करो।